इसके बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओके थैंक यू। हेलो हाँ हेलो या हेलो 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 इस वीडियो में वॉइस अवेलेबल नहीं है। और या अनम्यूट कर दिया ना। हाँ सर, आप अनम्यूट ही हो, बट इस ना अभी ऑडियो सुन रहा है ना। बट सर इस वीडियो में ऑडियो नहीं है। ऑडियो नहीं है अभी नहीं, अभी आया। ये फंगस की सर वीडियो चल रही है। हाँ, फंगस के फोटोग्राफ्स वगैरह हम दिखा रहे हैं कि ओके जैसे ही फंगस का क्लियर हो जाता है, हाँ इसके बाद फंगस की जो ट्रीटमेंट है वो किसान दे रहे हैं। जैसे ओके हाँ ही खत्म होते हैं आपको इसके बारे में बताना है। ये है रूट इन्फेक्शन है। ये रूट इन्फेक्शन में ये रूट डैमेज होगा पूरा। रूट डैमेज होने के बाद वो सारे लीव्स वो ड्राई होता है ना, होता है। इसलिए साइल का ड्रेंच करना चाहिए। साइल का मिक्सचर ऑफ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों मिला के उसको साइल ड्रेंच करना है। ये थोड़ा मिट्टी आधा इंच निकालना है। आधा फुट निकालने से बाद ये साइल ड्रेंच करने के बाद फिर मिट्टी डालना है। ये ठीक हो जाएगा। इसमें ये और एक देखना है, ये ट्रीटमेंट करने के समय बार्क को डैमेज नहीं करना है। ये ठीक हो जाएगा। ये मिक्सचर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों मिला के इसको स्प्रे कर सकता है। इंसेक्टिसाइड 0.1% और फंगिसाइड 1%, ये दोनों मिला के डाल सकता है। डालने से ये ठीक हो जाएगा। अभी फंगिसाइड डाल दिया एक बकेट में, दूसरा बकेट में इंसेक्टिसाइड अभी डालता है। वो दोनों मिक्स कर कर स्प्रे करना है। थोड़ा मिट्टी निकालना है पेड़ का। मिट्टी निकाल ये आ, आ, 2-3 इंच निकालना है। ये सिर्फ दवाई डालना है। डालने के बाद सिर्फ मिट्टी उसमें डालना है।
ये आधा दिन के बाद पानी दे सकता है, अभी पानी नहीं देना है। पानी देने से वो मेडिसिन जो मेडिसिन देता है वो बहुत स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसलिए ये औषधि डालने के बाद 1 घंटा और 2 घंटा के बाद वो पानी डाल सकता है। ओके राइट। ये दवाई मानसून के टाइम में नहीं डालना है। मीली बग ये सारे पेट में मीली बग आता है। मीली बग और शेल भी है, स्नेल इनको स्नेल बोलता है, वो भी चंदन को बहुत खराब करता है। स्नेल और मीली बग के लिए यह है इस डिजीज का भी इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए। इंसेक्टिसाइड डालने से इसका फंगिसाइड डालने का जरूरत नहीं है, वो इंसेक्टिसाइड डालने से ये ठीक हो जाएगा। ये बोलता है गॉल इंसेक्ट और स्नेल इंसेक्ट, स्नेल का इन्फेक्शन होता है, इसको कंट्रोल कर सकता है। अब ये क्लोरोफेरोफास और एनी इंसेक्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड मिलता है वो इस इंसेक्ट में 2 तरीका होता है, एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड इसको स्प्रे करना है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से ये इंसेक्टिसाइड वो प्लांट को अंदर जाएगा और उसको पेस्ट को निकालेगा। ये भी विल है, ये इसको भी इंसेक्टिसाइड डालने से ठीक हो जाएगा। ये इंसेक्टिसाइड वंस इन 15 डेज, 15 2 हफ्ते के बाद 2-3 स्प्रे करने से ये ठीक हो जाएगा। ये कैटरपिलर का है, कैटरपिलर है, ये भी पेड़ को खराब कर सकता है, इसके लिए इंसेक्टिसाइड डालना जरूरी है। इंसेक्टिसाइड डालने के समय में ये सवेरे करना या इवनिंग करना है। हेवी सन डे में ये स्प्रे नहीं करना है। सर ये वायरस का है अटैक, आपने बताया था वायरस का अटैक है ये। ये वायरस वायरस नहीं है, ये फाइटोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है। फाइटोप्लाज्मा है, ये वायरस और बैक्टीरिया का बीच में आता है, इसको टेट्रासाइक्लिन स्प्रे करना है। टेट्रासाइक्लिन स्प्रे करने से ये ठीक हो जाएगा। ये फाइटोप्लाज्मा है, ये वायरस नहीं है। ये बोरर का, ये बोरर बोरर के शुरू हुआ सर, फोटोग्राफ और वीडियो। ये रेड बोरर है,
रेड बोरर ये 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 बहुत चंदन को स्वाइल करता है, ये रेड बोरर का ये होल होता है ना, ये होल से क्लोरोफेरोफास 0.1% डालने से ये कीटा मर जाएगा और चंदन भी ठीक हो जाएगा। ये इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, ये बोरर है ना, उनको हार्डवुड हार्डवुड पूरा खाता है और चंदन का पूरा खराब करता है। इसको भी क्लोरोफेरोफास स्प्रे करने से और इंजेक्ट करने से ये कैटरपिलर ये बोरर बोरर का डेथ होगा और चंदन ठीक हो जाएगा। ये 2-3 बार करना है महीने में, करने से वो ठीक हो जाएगा। सर ये डाइक्लोर वॉश है या वो भी कैसे, वो भी जल सकता है, वो अंदर गैस होके इंसेक्टिसाइड वो गैस की वजह से वो वैसे ही डेड हो जाएगा या डेड हो जाएगा। हाँ सर, यस सर, ये पॉइजन है ना, पॉइजन उसको इंसेक्ट्स को इंसेक्ट डेड हो जाएगा। ये बाहर में दे सकता है, ये होल होल भी दे सकता है, होल के बाहर बाहर थोड़ा थोड़ा वर्म कास्टिंग भी होता है, वो देखने के बाद वो मालूम हो जाएगा ये इसमें पेस्ट है, इसको जरूर इंजेक्शन देना है। अभी सर ये होल को पैक कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, क्लोज कर दीजिए, क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद वो पूरा इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट मिलेगा, इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट मिलने के बाद वो कीटा अंदर है ना, वो मर जाएगा। ये बाहर से देख सकता है या अंदर कीटा या नहीं है, उनका फीसिस है, ये फीसिस वो दे सकता है, वो भी बाहर मिट्टी में दे सकता है, ये उनका फीसिस है वाइट वाला। सर अभी बार्क बोरर और इसकी कमेंट्री साथ में है, अभी बार्क बोरर की शुरुआत हो रही है। ये बार्क बोरर है, ये नाइट में बाहर आता है, नाइट में बाहर आता है, वो बाहर आकर बार्क को काटता है और इनको भी इंसेक्टिसाइड डालना है, इंसेक्टिसाइड डालने से वो भी ठीक हो जाएगा। ना देखिए, फॉरेस्ट का प्लांटेशन और एग्रीकल्चर प्लांटेशन अलग है। फॉरेस्ट प्लांटेशन में डिजीज और पेस्ट नहीं आना है, ऐसा पहले देखभाल करना है। ये एग्रीकल्चरल पेस्ट में ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चरल पेस्ट में ये शॉर्ट टर्म क्रॉप हो जाएगा, इसमें ज़रूर कंट्रोल करना है। ये फॉरेस्ट क्रॉप में ये कंट्रोल नहीं है, ये डिजीज और पेस्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए सारे चंदन का 1 in 6 months स्प्रे करना है, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड स्प्रे करने से ये सारे कीट और फंगस प्लांटेशन में नहीं आएगा। ये डैमेज सारे नाइट में करता है कीटा, नाइट में बाहर आता है और वो बार्क खाता है। डे समय में अंदर गुजराता है, अंदर
होल के होल बना के ये पूरा हार्टवुड के अंदर होता है, अंदर में रेस्ट करते हैं। ये सारे फीसिस है, ये बोलता है इंसेक्ट का एक्सक्रीटा। यही ये होल है, ये इंसेक्ट का होल है। ये होल से इंसेक्टिसाइड इंजेक्ट करना है, इंजेक्ट करने से वो बढ़ जाएगा और प्लांट भी ठीक हो जाएगा। ये इंसेक्ट का इफेक्ट है, सारे सारे नया नया शूट ड्राई होता है, उनको बोलता है डेबैक, ड्राई होता है। ये सारे ट्विक्स ड्राई होने से मालूम हो जाएगा इसमें कीटा है। सर अभी ये स्टेम बोरर बार्क बोरर के ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, या बार्क बोरर के ट्रीटमेंट। ये बार बार का भी ऐसा करना है, वो ये होल दिखाएगा स्टेम में, ये वो स्टेम वो होल को इंजेक्ट करना है। ये बोरर सारे प्लांट में नहीं होता है, सेलेक्टेड प्लांट में, जो जो प्लांट्स वीक है इसमें होता है इन्फेक्शन। अभी अभी ठीक से वो इंजेक्शन दे दिया और देने के बाद होल को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद वो पूरा इंसेक्टिसाइड इफेक्ट अंदर में मिलेगा और मिलने के बाद वो इंसेक्ट भी मर जाएगा। या ये मिट्टी है, मिट्टी में ये दवा डालकर यही मिट्टी ये होल का क्लोज करेगा। ये होल क्लोज करने से इंसेक्ट है ना, वो नाइट में बाहर नहीं आ सके और अंदर ये अंदर वो इंसेक्टिसाइड फ्यूम में वो पूरा मर जाएगा और प्लांट भी ठीक हो जाएगा। ये मिट्टी और इंसेक्टिसाइड का पेस्ट है, पेस्ट का चंदन का बार्क में पेस्ट अभी करने का शुरू हो गया। ये करने से और एक बार इन्फेक्शन नहीं हो सकता है इसमें।
ये कंट्रोल करने का तरीका है, एक ऐसा कंट्रोल कर अभी ये दीमक टर्माइट की प्रॉब्लम हम दिखा रहे हैं। टर्माइट सर, टर्माइट सारे जमीन में नहीं आ रहा है, टर्माइट है रेड सॉइल में, टर्माइट ज्यादा होंगे और ब्लैक कॉटन सॉइल में टर्माइट नहीं होंगे। जो टर्माइट के लिए ये पूरा ग्राउंड से 1 मीटर तक बोर्डो मिक्सचर और जो बोर्डो सर अभी ये गुजरात में किसानों प्रैक्टिकल जहां ज्यादा टर्माइट होता है तो प्रैक्टिकली ये ट्रीटमेंट करने से टर्माइट लंबे टाइम तक चला जाता है, ये ट्रीटमेंट हम दिखा रहे हैं सर। या आई थिंक या इसके ट्रीटमेंट के वो गांव के जो प्रैक्टिकल पुराने ट्रीटमेंट होते हैं ना, हाँ ये सर ये हनुमान जी को लगाया जाता है ना फ्लावर, पका हो हिंदी में कहते हैं। नहीं नहीं मुझे मालूम है वो। हाँ सर, या सर कैलोट्रोपिस जिगेंसिया है। हाँ कैलोट्रोपिस जिगेंसिया, ये भी इसमें भी इंसेक्टिसाइड निकल सकता है, वो इनका पेस्ट भी डालने से टर्माइट का कंट्रोल कर सकता है। ना इनके साथ थोड़ा डिस्टेंपर लगाने से वो पकड़ेगा, फिर डिस्टेंपर लगाने से उनके पेस्ट से उनके साथ वो स्टेम में पकड़ेगा वो, और ज्यादा समय ये पेस्ट स्टेम में होगा। ये बारिश समय भी ये पेस्ट नहीं निकल सकता है, वो डिस्टेंपर में वो ये गम के टाइप होता है, ये डिस्टेंपर ये सारे पेस्ट को पकड़ सकता है और वो भी 2-3 महीने उसमें रहते हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट है और हम जंगली का ट्रीटमेंट है। ये सारे कैलोट्रोपिस जिगेंसिया लीफ और ब्रांचेस का कट करने के बाद वो पानी डालना है उसको। कितना दिन रखोगे? सर ये सेकंड ट्रीटमेंट है, ये सेकंड ट्रीटमेंट गुजरात में काफी किसानों ने अप्लाई किया था, टर्माइट बहुत थी। एक कॉपर सल्फेट गुड, बाजरे का आटा, बेसन का आटा, छाछ, बटर मिल्क, इसमें सब मिला के 1 वीक रखना है। इसके बाद उसको देने से ये जो हैवी अटैक आते थे टर्माइट के वो सैंडलवुड में चले गए। ये एकदम प्रैक्टिकल अनुभव का किसानों का ये एक्सपीरियंस है, ये हम बता रहे हैं सर। ओके, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये कॉपर के साथ ये चुनम दैट इज लाइम डालने से ये कॉपर का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा
कॉपर सल्फेट और लाइम डालने से उसको बोलता है बोर्डो मिक्सचर। इनके साथ थोड़ा डिस्टेंपर भी लगाना है, ये डिस्टेंपर लगाने से वो पूरा स्टेम में पकड़ेगा और ज़्यादा दिन रहेगा। इसमें थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूव करने से इसमें बहुत फायदा है। इनके साथ हिंग हिंग भी डाल सकता है। हिंग भी एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, वो भी डाल सकता है इसके साथ। यह है नेचुरल रेमेडी, ये सारे विलेज में ऐसा करता है, ये नेचुरल रेमेडी है। ये सोल्यूशन का थोड़ा जागरी डालने से, और जागरी भी गम के बिना काम करेगा और भी स्टेम को पकड़ सकता है। ये देसी औषधि है। देशी औषधि डालने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सर इसके पीछे एक किसान का सिंपल लॉजिक था। ओके, ये जगरी है, जगरी बटर मिल्क या चने का बेसन, ये सब मिक्स करने से फर्मेंटेशन होता है। ओके, हम गुजराती में आथा कहते हैं। नहीं नहीं फर्मेंट भी होता। दूसरा जो टर्माइट है दीमक, वो गुड़ की वजह से थोड़ी ऊपर आएगी, वो स्वीट है। और कॉपर सल्फेट है, टोटली पॉइजन है। अच्छा, इसकी वजह से वो आएंगे, जैसे ही उसको टच करेगी वैसे ही उसका डेट हो जाता है। नहीं नहीं और एक बात है, जागरी है ना, जागरी एक गम के बिना काम करता है। ये सारे मिक्सचर स्टेम में डालने से वो भी पकड़ता है, ज्यादा समय वहां रहेगा। लॉन्ग टाइम
इफेक्ट होती है, या लॉन्ग टर्म रहेगा और या उनको इफेक्ट भी मिलेगा। और इसको एवरी मंथ 3 टाइम करना है पर ईयर, इसे लॉन्ग टाइम तक ये नहीं आता है टर्माइट, या नहीं नहीं आएगा? यस सर, नहीं आएगा। ये दूसरा दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है ना, वो कॉपर सल्फेट और लाइम मिक्स कर कर उनके साथ थोड़ा इंसेक्टिसाइड डालने से और डिस्टर्बर डालने से वो भी पेस्ट कर सकता है। ये पेस्ट ये पेस्ट भी एक साल दो साल तक रहते हैं, एक साल दो साल तक टर्माइट वो पेड़ में नहीं। हाँ सर, ये अभी इस ट्रे में लगाया हुआ है पेस्ट, अब देख रहे हैं वाइट जो है वो लाइम, यानी गुजराती में चूना के है लाइम चूना पाउडर, हाँ, और कॉपर सल्फेट का मिक्स करके ये लगाया हुआ है। नहीं नहीं, उनके साथ डिस्टेम्पर भी लगाना है। डिस्टेम्पर लगने से डिस्टेम्पर कलर या व्हाइट व्हाइट डिस्टेम्पर, व्हाइट डिस्टेम्पर वो तो कलर है ना सर? नहीं नहीं नहीं, ये डिस्टेम्पर है ना, इनका फायदा है ये दोनों कॉपर सल्फेट और लाइम को पकड़ेगा यस ये पेस्ट करने के एक और दो साल तक हो रहेगा। ओ, डिस्टेम्पर जैसे हम वॉल पे लगाते हैं वही डिस्टेम्पर? वही वही डिस्टेम्पर, वही डिस्टेम्पर, उसमें थोड़ा मार्क मार्क प्रॉब्लम नहीं आएगी ना सर? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये सारे जगह में ऐसा करता है, ये करने से बहुत फायदा होता है। इसका प्रपोजल कितना रहना करना होता है सर? नहीं, कितना और लाइन कितना? ये 50 लीटर्स में 1 लीटर डिस्टेम्पर, एक लीटर डिस्टेम्पर डालने से बराबर पकड़ता है, वो भी पेस्ट बॉन्ड होता है। हाँ। बाइंड होता है। हाँ। वो बारिश आने के बिन बारिश आने के समय वो ब्रांक बार्क से नहीं निकलेगा। हाँ, चिटक के रहेगा, डिस्टेम्पर लगाने से चिटक के रहेगा तना पे चिटक के रहेगा, इसीलिए लाइम कॉपर सल्फेट और डिस्टेम्पर जो हम घर पे वॉल पे लगाते हैं वो एक 5 किलो कॉपर सल्फेट, 5 किलो लाइम और 50 लीटर्स वाटर और 1 लीटर का डिस्टेम्पर। 50 यानी 50 सर? या 50 लीटर 50 का 50 ओके या दैट इज 5 kg कॉपर सल्फेट, 5 kg लाइम और 50 लीटर वाटर, बाद में 1 लीटर डिस्टेम्पर, वाइट डिस्टेम्पर। ओके थैंक यू वेरी वेरी मच ऑफ मिस्टर नितिन पटेल सर और डॉक्टर पद्मनाभ माभा सर का। और एक बात है, मैं कल रात और सब ने कैसे चंदन का पेड़ करना है वो बोला है, इसमें एक पॉइंट ये नहीं बोला है, ये सीड्स है ना, सारे सारे सीड्स जर्मिनेशन नहीं होता है। ये मिट्टी में डालने के बाद 50% और 60% सीड जर्मिनेशन होता है, 40% सीड है ना वो जर्मिनेशन नहीं होता है, पानी पकड़ता है, ये पानी पकड़ने से ये डीके होता है, डीके होने के बाद वो हेल्थी सीड्स को हेल्थी सीडलिंग्स को भी तकलीफ करेगा, इसलिए एक एक हफ्ते में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड जरूर डालना है, स्प्रे करना है, एक स्प्रे करने से वो सारे पेड़ ठीक हो जाएगा, उसमें हेल्थी सीड्स बना सकता है।
सर थैंक यू फॉर ब्रीफ इंफॉर्मेशन. ओके अब हम चंदन के सक्सेसफुल फार्म और फेल फार्म के बारे में देखेंगे और फेल फार्म सर, को कैसे मॉडिफिकेशन करके सक्सेसफुल फार्म में कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे. ओके इस जानकारी के लिए मैं मिस्टर मिस्टर भरत भाई फ्रॉम राजकोट, मिस्टर कमलेश भाई फ्रॉम आनंद, मिस्टर वीरभद्र फ्रॉम कर्नाटका और मिस्टर सुरेश भाई फ्रॉम गुजरात की बहुत बहुत आभारित हूँ. सर, ये फार्म हाँ में हम गुजरात में गए ओके थे 16 के अंदर। ये 6 फीट बाई 6 फीट में लगाया गया था। यही ये फार्म है, ये आज की डेट का फार्म है सर। इट इज अ वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग इट एंड यस सिक्स सर, फीट इज टू स्मॉल एंड इट शुड बी डबल इट शुड बी 12 फीट 6 फीट बिकॉज कैनोपी क्लास शुड बी देयर एंड द होस्ट प्लांट ऑल्सो शुड विल बी देयर बिटवीन देम and that is going to disturb both sandalwood and the host plant. So सर हम distance should be increased to 12 feet. It's सर a अभी wrong हम दिखा रहे method. हैं किसान को कि ये 12 साल के बाद इसका गर्स कितना हुआ है। आफ्टर ट्वेल्व इयर्स ये अभी हम किसानों को दिखा रहे हैं कि ये रॉन्ग है, मगर अभी देखो प्रैक्टिकल देखे कि इसकी गर्स ही नहीं हुई है। इसकी गोलाई, होगा गुजराती में आपने गोलाई कही है, जो हिंदी में इसकी गोलाई कहते हैं, अर्थ नापना। अभी हम किसान दिखा रहे हैं कि मेरे फार्म की कितनी गर्त है। इसके बाद भरत भाई का वीडियो है, दूसरे कर्नाटक के वीडियो है, और किसानों अपने वीडियो शेयर करेंगे ताकि सभी पूरे इंडिया के किसानों को पता चले। और इसके बाद एक चेंज किया हुआ फार्म है, हाई डेंसिटी से रिमूव करके प्लांटेशन डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इसके बाद क्या डिफरेंसेस आया है ये सर दिखाएंगे। या डेफिनेटली हाँ ये डिस्टेंस बड़ा होने से क्रोन भी बड़ा हो जाएगा और क्रोन बड़ा होने से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ये फोटोसिंथेसिस इफेक्ट में ये चंदन का पेड़ भी बड़ा हो जाएगा हो सकता है. इसलिए एक एक ये चंदन 16 इंच है, ये बॉर्डर पे लगाया हुआ। हर एक फार्म में बॉर्डर पे चंदन नेचुरल ग्रो अच्छा करता है। अभी ये कर्नाटक का सर आया। नहीं, सारे प्लांटेशन में ये बॉर्डर प्लांट्स बहुत अच्छा होता है क्योंकि बॉर्डर प्लांट्स को सनलाइट दोनों जगह में दोनों तरफ से मिलता है. इसलिए बॉर्डर प्लांट्स सारे टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा. ब्लैक प्लांटेशन में सेंटर प्लांटेशन है ना, सेंटर प्लांट्स वो अच्छा नहीं हो जाएगा. उसको जरूर डिस्टेंस का जरूरत है, यस सर, मिनिमम 12 फीट डिस्टेंस होना चाहिए. अभी सर कर्नाटक के किसान है, वो अपने अनुभव हमसे शेयर कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस शेयरिंग टू ऑल आर इंडियन फार्मर। ओके वेलकम प्लीज. यस प्लीज. या आई एम नॉट एबल टू हियर यू. या I think his voice is not not audible.
अभी थोड़ी टेक्निकल डिफेक्ट आ रही है, सेकंड टाइम वीडियो। हेलो, आई थिंक हिज वॉइस इज वेरी वेरी लो, वी आर नॉट एबल टू हियर हिम। नितिन भाई सेटअप कर रहे हैं। नितिन भाई वीडियो तुम्हारा माथी प्ले करो छो। Yeah, I think it's not. We are not able to hear. Hey, hey, wait a minute. Video tomorrow morning play karo chho ne? हाँ हाँ. हाँ तो तुम्हारे earphone काट ना को. अबे play करो. हाँ वीडियो चालू थी, फर्स्ट से पाछे चालू करो, आगर थी चालू करो। वीडियो आंसर हाँ हवे चालू करो। हेलो 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 श्रद्धा, वीडियो छे ने प्ले करो कोई एक माथी। ચાલુ કરો હેલો હેલો हेलो ओके अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके वेलकम। या पहला क्वेश्चन है, नर्सरी बीजों का रोपण करने पर अंकुर नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या सावधानी रखना चाहिए?
नहीं, आफ्टर कलेक्टिंग द सीड्स, सीड्स को सीड डस्टिंग करना है सिरसिन से, डस्टिंग करने से एक साल से यू कैन स्टोर इट. जर्मिनेशन का टाइम में सीड्स को जिबरलिक एसिड में डालना है अबाउट 16 आवर्स, बाद में सो कर सकता है. सो करने का बेड में सिर्फ मिट्टी और सैंड होना चाहिए, वहाँ फार्म यार्ड मैन्योर डालने का जरूरत नहीं है. ये सीड्स डालने के स्प्रेड करने से बाद उसमें 1 इंच और एक सैंड डालना चाहिए. ये डालने के बाद फंगीसाइड का इंसेक्टिसाइड मिक्सचर इसमें डालना है और डेली वाटर करना है, एक हफ्ते में और एक बार इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का मिक्सचर स्प्रे करना है, क्योंकि सारे सीड्स वो जर्मिनेशन नहीं होता है. 50-60% जर्मिनेशन होता है, 40% है ना वो भी पानी पकड़ता है और बाद में डीके होता है. डीके होने के बाद ये फंगस और नेमेटोड का इन्फेक्शन होता है. ये फंगस का नेमेटोड इन्फेक्शन में दूसरा हेल्थी सीडलिंग्स को खराब करता है, इसलिए एक एक हफ्ते में मिक्सचर ऑफ फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से वो सारे डिजीज कंट्रोल कर सकता है. ओके सर, सर गर्मी में चंदन मर जाता है तो क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें पानी जरूर पानी देना पड़ेगा. ये ब्लैक कॉटन सॉइल है ना, उसमें पानी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल में पानी कम होने से क्रैक होता है. क्रैक होने के बाद वो चंदन का रूट भी कट हो जाएगा. इसलिए सारा टाइम देखना है, क्रैक बड़ा होने से समय पानी देना है और रोटामीटर भी लगाना है. रोटामीटर लगाने से ये क्रैक की वो कम हो जाएगा और चंदन भी नहीं मरेगा. ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एकड़ जमीन में कम से कम कितने पेड़ लगाएं और 1 चंदन के लिए कितने होस्ट लगाएं और कौन सा होस्ट लगाएं? एक एकड़ में 200 प्लांट्स लगा सकता है, 200 सैंडल प्लांट्स, और उनके साथ 200 होस्ट प्लांट भी लगा सकता है. ये होस्ट प्लांट का सिलेक्शन वो किस जगह में क्या करना है, किस जगह में क्या होस्ट डाल सकता है, वो होस्ट डालना है. ये हॉर्टिकल्चर प्लांट्स भी लगा सकता है, एक गोवा अमृत भी लगा सकता है और गूसबेरी भी डाल सकता है, मैंगो डाल सकता है और इवन टैमरिंड ग्राफ्टेड भी डाल सकता है. ये फार्मर का इच्छा है, फार्मर का क्या चाहिए, इसमें क्या कमर्शियल रिटर्न्स आता है वो डाल सकता है. मोर देन 200 प्लांट्स का प्लांटिंग एक एकड़ में नहीं डालना है. डिस्टेंस एक एक चंदन का चंदन मिनिमम 5 फीट होना चाहिए, चंदन का चंदन रो में अबाउट 10-12 फीट होना चाहिए. एक एक आदमी बोलता है ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन, ये चंदन में हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं होगा. ओके सर, अब हम वीडियो देखेंगे. या ओके, यस सर. तो इसलिए मैं वो तो टीक प्लांट्स का पूरा थिनिंग करके पाछो बंद है क्यों या भाई कट हो रहा है, ठीक नहीं आ रहा है. देखने के बाद पर्टिकुलरली वो नितिन पटेल जी का वीडियो देखने के बाद मैं अंतर कम करने को डिसाइड किया था. पहले ही वो तो क्या इंटरनेशनल वेबिनार की भी किया था ना हमारा वो नितिन पटेल जी,
वो अटेंड किया था मैं वो वेबिनार, उसमें वो सैंडलवुड का पिता महा अनंत पद्मनाभ भी इंफॉर्मेशन दे। सैंडल लगाने के लिए मेरा मन हो गई, सो इसलिए मैं वो तो टी प्लांट्स का पूरा थिनिंग करके बाद में ये 3 साल का पहले मैं सैंडलवुड डाला था, वो भी 6x6 डाला था। तो बाद में वो सैंडल जी इंफॉर्मेशन यूट्यूब में देखने के बाद, पर्टिकुलरली वो नितिन पटेल जी का वीडियो देखने के बाद मैं अंतर कम करने को डिसाइड किया था। पहले ही वो तो इंटरनेशनल वेबिनार की भी किया था ना हमारा वो नितिन पटेल जी, वो अटेंड किया था मैं वो वेबिनार, उसमें वो सैंडलवुड का पिता महा अनंत पद्मनाभ भी इंफॉर्मेशन दे दिया। सो इसके बाद मैं डिसाइड किया, और उसके पहले भी मैं वीडियो देखने के बाद वो 6x6 का अंतर 12x12 करने को डिसाइड किया था। सो इसलिए मैं वो प्रोसेस स्टार्ट, तो वो स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मेरे खेती में सैंडलवुड प्लांट्स बहुत अच्छा तरीके से वो तो ऊपर आ रहा है, वो तो बढ़िया कर रहा है। सो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। कहता मैं इसको कोई होस्ट भी नहीं दिया था, सिर्फ सैंडलवुड डाला था। तो पूरा वो वीडियो देखने के बाद नितिन पटेल जी जो बोला था, जो उनका वीडियो में ये सीरीज वीडियो में वो कर दिया था ना, वो वीडियो देखने के बाद मैं अंतर भी कम कर दिया, होस्ट भी दिया। अंतर ऐसा किया था मैं, वो 6x6 था ना, वो तो 12x12 का किया। तो बाद में वो होस्ट भी, ये तो सैंडलवुड का है, फोकस मॉडल में सैंडलवुड का है, तो इतना ही बढ़ रहे है। इसके बाजू में 3 फीट का अंतर में मैं इधर सरू का प्लांट डाल दिया था। वेलकम। तो 1 साल का प्लांट है सरू, ये तो 3 साल का प्लांट है। सो होस्ट के बिना ये तो अच्छा नहीं कर रहा था, होस्ट डालने के बाद बहुत अच्छा कर दिया। और 6 फीट का अंतर में इधर मैं ये कस्टर्ड एप्पल भी डाल रहा था, तो ये भी 2 साल हो रहे इसलिए उनको, और ब्लूमिंग भी स्टार्ट हो गई। तो इसके बाद ये तो और एक सरू का प्लांट, That is casuarina tree. So इसके बाजू में 3 फीट का अंतर में ये भी सैंडल है। तो ये सैंडल इतना अंतर में और एक था और 6 फीट में, तो ये का एक प्लांट निकल दिया मैंने, ये देख सकते हैं ये निकल दिया प्लांट, इधर फोकस करो, तो ये निकल दिया का प्लांट। सो इसके बाद ये 6 फीट का था और बाद में और एक 6 फीट का, तो 12 फीट हो गए। तो ये प्लांट निकालने का बाद ये बढ़िया अच्छा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो थोड़ा प्रोनिंग भी किया, ये तो गलती का बात होते, तो बाद में इसके बारे में वो पटेल जी का क्लियर कर देंगे। सो ऐसा थोड़ा प्रोनिंग भी कर दिया, सो ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है मुझे, 12x12 के डिस्टेंस में वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो 3 फीट का अंतर और 4 फीट का अंतर में जो कस्टर्ड एप्पल डाल दिया बाद में, ये तो खेजुरीना और ये खेजुरीना, ये तो भी कस्टर्ड एप्पल। ये सैंडलवुड का प्लांट बहुत अच्छा तरीके से सो ग्रोइंग हो रहा है। सो ये तो डिस्टेंस और पोस्ट बढ़िया करते, वो भी पहले वो डालने से पहले ही, सो डिस्टेंस डिसाइड करना, अंतर क्या रखना, होस्ट क्या देना, वो सैंडलवुड के साथ ही पूरा होस्ट भी डालना। सो मेरा खेती में टोटल ही 5। आपने बहुत ठीक किया है। हेलो हेलो, चेकर का है इसमें, थोड़ा टी प्लांट भी था, वो पूरा टी प्लांट निकाल दिया, फिर उसमें अच्छा है वो तो 150 प्लांट रखने के बाद सैंडलवुड डाल दिया, ये तो 3 साल का प्लांट है, ये तो बहुत अच्छा करे। ये तो है इन्फॉर्मेशन मेरे के लिए। थैंक यू। नमस्कार किसान भाई, मैं सुरेश भाई पटेल। मैंने अपने काम चंदन के पौधे लगाए। सर ये एक गुजरात के हिम्मत नगर के किसान है। हमने 2017 में हिम्मत नगर में सेमिनार किया था। उन्होंने अटेंड किया था। तो गाइड किया था उन्होंने, 8x8 फीट पे सैंडलवुड लगाया था। तो उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा कि अब हम क्या करें,
तो हमने उसको गाइड किया था कि अब रिमूव कर दीजिए बीच वाला 50% रिमूव कर दीजिए। वेलकम, दैट्स गुड। 2017 में इन्होंने 50% सैंडलवुड निकाल दिए। okay. तो अभी वो उसका गुजराती में खुद का थोड़ा कुछ हिंदी में भी वो अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अभी हम दिखाएंगे। या ना, इसमें और एक चीज है, वो मिडिल प्लांट्स वो रिमूव कर दिया ना। हाँ. अभी होस्ट प्लांट्स लगाने का, एक चंदन और होस्ट प्लांट्स एक ही लाइन में होना चाहिए। ओके प्लीज मैंने लगा तो दिए पौधे, लेकिन टाइम के बाद उसका ग्रोथ मेरे को कुछ अच्छा नहीं दिखा। ओके वेलकम। जो अंतर है ज्यादा कम है वो उसको आप ज्यादा करो, और बीच में मैंने होस्ट भी लगाए। ओके निकालने के लिए बोल दिया और उसने बोला कि भैया होस्ट निकाल दो, तो उसकी वजह से उसका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। होस्ट निकालने के बाद मेरे को थोड़ी टाइम के बाद उसका ग्रोथ एकदम डाउन हो गया। डाउन हो गया टाइम के बाद बगल वाले शहर में एक सेमिनार था, वहाँ पे चंदन वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए हुए, तो उन्होंने गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई जो आपने जो स्पेस रखा हुआ है 5 feet by 10 feet कम है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई आप थोड़ा उसका स्पेस ज्यादा करो, तो मैंने 10 feet by 10 feet कर दिया। ओके एक दो साल में मेरे को उसका ग्रोथ अच्छा दिखने लगा और उसका अच्छा बढ़ने लगा। जो अभी मेरे फार्म में अभी जो आप देख रहे हैं उसका उससे कम कितना था आप देख लीजिए, 20 इंच है ये। सर ये 2007 में 7 में उन्होंने प्लांट लगाया, 7 या 8 में प्लांट लगाए थे। ओके अभी वो अपनी गर्थ नाप रहे हैं, पहले से बेटर हो गई गर्थ। हाँ अभी ठीक है ना, अभी ठीक है। हाँ 28 प्रॉपर सर, अभी प्रॉपर है। ये और एक बात है, यहाँ होस्ट लगाने का अच्छा होने लगा है और अभी ऐसा लग रहा है कि भाई अभी पौधे से कुछ अच्छा मिल सकता है। धन्यवाद। ओके देखिए ये जो इसकी लंबाई है वो अभी 9 feet के आसपास है और सब 8 या 9 feet। सर अभी पूरे इंडिया में हाई डेंसिटी प्लांटेशन बहुत जगह हो रहा है। कल मैंने भी इनिशियल स्टेज में किया था कि किसान नर्सरी वाले गाइड बहुत करते हैं, तो अभी हमारे गुजरात में भी 8 feet by 8 feet पे 120 रुपया के प्लांट बेच के मिक्स गाइड करते हैं। तो अभी राजकोट के भरत भाई है, उन्होंने 3000 प्लांट्स लगाए हैं। ओके तो अभी मैं उसके फार्म पे गया था और उसको गाइड किया कि रिमूव 50%, तो अभी वो रिमूव कर रहे हैं सर, वो अभी दिखा रहे हैं। नहीं नहीं वो और एक बात है, रिमूव करने के बाद तो बीच में हुआ है चंदन का होस्ट जरूर लगाना है। हां सर होस्ट है सर, पेड़ लगाने जा रहे हैं वो 15x15 के अंतर पे लगाए। या दैट्स वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अभी इसमें हम मार्किंग करके जो छोटे पेड़ है जैसे कि ये वाले जैसे और ये सरू उसके होस्ट प्लांट वो भी अभी काटेंगे।
जय स्वामीनारायण। मैं भरत भाई राजकोट से, कल जो मैंने आपसे बात की थी वो आज फिर दोहरा रहा हूँ। कल जो छोटे जो चंदन के पेड़ थे वो कल हमने काट दिए है और लगभग 40% से ज्यादा पेड़ निकाल लिए, उसके होस्ट प्लांट भी निकाल दिए है। अभी भी दूसरे जो है उसके होस्ट प्लांट है और जो जगह खाली है उसमें मैं नीम के पेड़ लगाऊंगा। मतलब जो सूर्य प्रकाश पूरी तरह से जो मिलना चाहिए वो अभी पूरा खेत में दिख रहा है, फार्म में दिख रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े पेड़ भी नहीं है, इसमें 17 इंच तक के 15-16 इंच भी पेड़ है और जो छोटे छोटे थे वो सब निकाल दिए हैं। बाद में दूसरा भी है कि जो ड्रिप आप है और पेड़ से जितना पेड़ दो सनलाइट उसके ऊपर रहे उसका परछाई जितना होता है उससे वहां तक रखे। यहाँ भी जो है वो 2 फीट पेड़ से दूर कर दिए, उसके जो रूट होते हैं वो यहाँ से पेड़ से उतने दूर होंगे। इसलिए
45% पेड़ रिमूव कर दिए हैं, और अभी जहां जहां जगह खाली हुई है वो स्पेस है वहां सर वो नीम भी लगाएगा, केजुरीना तो है ही, और साथ में नीम भी वो लगाएगा, और एवरी ईयर नीम और केजुरीना का ब्रांचेस वो प्रूनिंग करते रहेंगे ताकि से हाइट ज्यादा ना बढ़े। वेलकम, नो प्रॉब्लम। नहीं वो चंदन का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है ना, सो इसलिए सरू का प्रूनिंग करने का जरूरत नहीं है। दिस इज 3 ईयर ओल्ड सर। नो नो, कैंडल वाज 3 इयर्स ओल्ड एंड केजुरीना जस्ट दिस ईयर प्लांटेड। नो नो, दैट्स व्हाई केजुरीना नीड नॉट बी प्रून्ड। केजुरीना ऐसे ही रख सकते हैं और केजुरीना वो चंदन का ग्रोथ में डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो सरू अच्छा होने से चंदन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको प्रूनिंग करने का जरूरत नहीं है। वो जो सरू चंदन का डिस्टर्ब करता है वो प्रूनिंग कर सकता है ना, और जो सरू उसका डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको प्रूनिंग करने का जरूरत नहीं है। और बाद में बीच में 1 in 6 months रोटावेटर लगाना है। रोटावेटर लगाने से मिट्टी साफ हो जाएगा और रेन होने के समय सारे पानी अंदर गुजरेगा और मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मॉइस्चर ज़्यादा होने से चंदन और सरू भी बहुत अच्छा हो जाएगा। किशन सर ने बताया इस तरह रोटावेटर एवरी 6 मंथ लगाना है। हाँ, मगर हम याद रखे रोटावेटर डीप न लगाए। रूट्स बहुत सेलो होते हैं, यदि आपने 6 इंच से ज्यादा भी अंदर डीप लगा दिया तो सेलो रूट्स ब्रेक होंगे, ऊपर से ही उसको रोटावेटर लगाना है। नहीं, रोटावेटर का ब्लेड है ना वो 6 इंच का अंदर नहीं जाएगा। नया रूट इसमें निकलेगा, नया रूट निकलने के बाद वो हस्टोडियर कनेक्शन भी हो जाएगा। ओके सर, रूट को थोड़ा डिस्टर्ब भी करना चाहिए। अभी ये भरत भाई कटिंग करने के बाद पूरा फार्म हमें दिखा रहा है। ओके राइट। नहीं और एक बात है, फोटो सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई। हाँ, ये ओनली 3 इयर्स ओल्ड प्लांट्स है सर। ओह दैट्स वेरी गुड। नहीं नहीं वो चंदन का डालने के समय गड्ढा बहुत बड़ा होना चाहिए, 2 फुट मिनिमम होना चाहिए। 2 फुट मिनिमम होने से रूट बिलो 6 मंथ्स में 6 मंथ्स 6 इंचेस में हो जाएगा। 2 फुट का गड्ढा जरूर है। हाँ, सर बता रहा है 2 फीट बाय 2 फीट गहरा हमें गड्ढा करना है, खाड़ो खोदवानो छे 2 बाय 2 बाय 2। અને ગઈકાલે જે પ્રમાણે કહ્યું તે પ્રમાણે ઇસમે સેન્ડ સોઇલ ઓર ખાદ મેન્યુર વો મિક્સ કરકે હમે ગડ્ઢા ભરના હૈ એસે સર કહે રહે હૈ। રાઇટ, ધેટ્સ યોર કરેક્ટ। યસ, information on thank you very much sir। अब हम questions पूछेंगे। चंदन के पेड़ पे सांप आते हैं कि नहीं?
No, no, it's a myth. Because it's only a story, but unke saath some nahi hota hai. Not attracted by smell or a Kalidas likha hai, a chandan ke saath sare zameen mein samp hota hai. Nahi, aisa nahi hai. Purane zamane mein चंदन सारे चंदन हिल में होते थे, हिल और गड्ढा में होते थे. वहाँ चंदन का ये सांप का कैमोफ्लोज करने का जगह मिलते थे, इसलिए ऐसा बोला है चंदन के साथ कोई संबंध नहीं है. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. कोकोनट प्लांटेशन के साथ हम चंदन कर सकते हैं? चंदन कर सकते हैं, बट कोकोनट प्लांटेशन शुड बी अबाउट 1 year ओल्ड ओनली. सो इफ इट इज बिगर, इफ कोकोनट प्लांटेशन अभी 6 or 7 years होगा, उसमें डालने से बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोकोनट लीफ चंदन में गिर जाता है और चंदन का ब्रांच भी चल जाएगा. इसलिए कोकोनट प्लांटेशन और चंदन का प्लांटेशन एक ही साथ में करने से वो बहुत अच्छा हो जाएगा. सर कह रहे कोकोनट के साथ हम चंदन डालेंगे, पुराने कोकोनट के बाद हम चंदन का प्लांटेशन करेंगे, तो कोकोनट के पत्ते जब गिरेंगे वो तो बड़े बड़े हैवी होते हैं, वो चंदन के ब्रांच पे गिरेगा और चंदन की ब्रांच वो डैमेज होगी. इसीलिए पैरेलल हम चंदन और कोकोनट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर, चंदन के रोगों में ऑर्गेनिक प्लांट मेजर सफिशिएंट है? नहीं है. ऑर्गेनिक मेथड ऑफ कंट्रोल पेस्ट और डिजीज का बहुत ज्यादा दिन रखते, इसलिए पूरा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फंगिसाइड में डिजीज का कंट्रोल करने से बहुत मुश्किल है. हाँ सर ने बताया, हाँ जब भी सैंडलवुड को फंगस या कोई इंसेक्ट हो जाता है तो ऑर्गेनिक वो काम नहीं ही करेगा 100%, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है. इसीलिए जब भी इंसेक्ट लग जाता है तो केमिकल पेस्टिसाइड्स ही यूज करना है. हम पूरे फार्म में मैन्यूर के प्ले ऑर्गेनिक करें, मगर प्रॉब्लम हो जाने के बाद केमिकल ही यूज करेगा, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कुछ यूज नहीं करेगा, फायदा नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं होगी इसकी. रनिंग में हम डालते रहे वो बात अलग है, मगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो केमिकल ही यूज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. चंदन की सीड का जर्मिनेशन रेट क्यों कम है, बीज का सिलेक्शन कैसे किया जाए? चंदन का जर्मिनेशन करने के पहले चंदन का सीड्स टेस्ट करना है. चंदन का टेस्ट करने TTC बोलता है, टेट्राजोलियम क्लोराइड में टेस्ट करने के बाद हमको मालूम हो जाएगा कितने परसेंट जर्मिनेशन आएगा, कितने परसेंट सीड्स वायबल है. ये सारे वायबल सीड्स जर्मिनेशन नहीं होता है, सारे जर्मिनेशन सीड्स है सारे वायबल है, ये उसको जरूर टेस्ट करना है. ये सीड्स है ना, ये टेस्टिंग कैसे करें, इसकी मेथड क्या है सर? ये सीड्स को ऊपर वाला पल्प निकाल देना है, निकलना है और बाद में TTC सॉल्यूशन मिलेगा 1%. इसमें ये सीड्स पूरा डालने के बाद एक दिन में सीड्स लेने के बाद उसको काट करना है. काट करने से सीड्स वायबल सीड्स हैं सारे पिंक कलर हो जाएगा. सीड्स वायबल नहीं है
वो कलर का कोई पिंक नहीं था। इसमें देख सकता है ये वायबल सीड्स है, अच्छा सीड्स है या बुरा सीड्स है, देख सकता है। हाँ, तो दैट मींस सर ऊपर का पल्प हमने निकाल दिया। नहीं, ऊपर का पल्प भी नहीं, और एक नहीं, ऊपर का जो ब्राउन कलर का, जो ब्लैक कलर का पल्प हमने निकाल दिया, सीड्स हो गया। इसके बाद जो आपने टेट्रा क्या कहा, वो डालना है ना, कितना डालना है? नहीं नहीं, वो पल्प निकालना है और सीड का टेस्टा होता है, सीड का कोट भी निकालना है। ये नेकेड सीड्स मिलेगा, ये नेकेड सीड्स का टीटीसी टेट्रासिलियम क्लोराइड 1% सॉल्यूशन में रखना है। 1% सॉल्यूशन मींस कितना टेट्रासोलाइड और कितना पानी, इसको पता नहीं चलेगा किसानों को? नहीं नहीं, 1 ग्राम टेट्रासिलियम क्लोराइड में 1 लीटर पानी डाल सकता है। ओके, वो पानी में ये अभी पूरा निकाल दिया सीड्स, उसमें डालकर बाद में ब्लॉटिंग शीट में स्प्रेड करना है। एक ब्लॉटिंग पेपर ना हो तो न्यूज़पेपर चलेगा सर? न्यूज़पेपर चलेगा, न्यूज़पेपर और ब्लॉटिंग पेपर चलेगा। एक 10 घंटे के बाद वो निकालने के काट करने से मालूम हो जाएगा जो सीड्स पिंक कलर है वो सारे वायबल हेल्थी सीड्स है, उसमें जर्मिनेशन निकल सकता है। जो सीड्स है ये पिंक कलर नहीं हो जाएगा, इसमें ये सीड खराब है, ये सीड का जर्मिनेशन रखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, चंदन पानी वाली जगह पे लगा सकते हैं? नहीं, चंदन का पानी वाला लगा सकता है, बट दे पानी शुड नॉट स्टे फॉर मोर देन 15 डेज। 15 डेज तक पानी वहाँ रहने से चंदन रहेगा, और ज्यादा दिन पानी है दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, इसमें चंदन नहीं हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। सर का कहना ये है, जहां वाटर लॉगिंग होता है, कोई भी खेत में पानी भरा रहेगा तालाब की जैसे, कोई पण खेतर में तलाव नी जेम पानी भरातू रहे, एवी जग्या ऊपर चंदन ना करवो जोईए, कारण के चंदन मना पानी वधारे भरावाथी ए मरी जशे। ज्यां कोई पण खेतर में वरसाद गम्मे तेटलो भले पड़े, पानी निकल जाना चाहिए, बारिश कितनी भी ना हो, पानी निकल जाने से चंदन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पानी इकट्ठा होने से चंदन को प्रॉब्लम है, ऐसी जगह पे पानी नहीं, चंदन नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। या नेक्स्ट, श्योर। चंदन के खेत के बॉर्डर पर बांबू लगाने से कोई नुकसान होता है, और अगर लगाएं तो कितनी दूरी पर लगाएं? नहीं नहीं, नुकसान होता है, वो चंदन का साथ वो बैम्बू लगाने से ये नेचुरल फेंस होता है, ये नजदीक और इवन 1 मीटर में डाल सकता है। ये बैम्बू है, ये नेचुरल फेंस है, वो बहुत अच्छा अच्छा देखभाल करता है चंदन का, और आदमी आने का बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर अभी हम चंदन के सिक्योरिटी में किसानों को गाइड कर रहे हैं। हाँ, बांबू साहब, बांबू, कांटा वाला बांबू, हमारे गुजरात हिंदी में कहते हैं कांटा वाला बांबू। ओके, जो फेंसिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, वेरी वो बॉर्डर पे लगाना हम सभी किसानों को कहते हैं, ये चोरों को सिक्योर करेगा चोरों से। ओके, राइट, इसीलिए हम बांबू लगाना इंसिस्ट करते हैं। इनकम भी होगी किसानों को, और फेंसिंग होने से नीम लगाए तो कितनी दूरी पर लगाए? कम से कम 5 to 6 feet में डाल सकता है, 5 to 6 feet में आमला और नीम डाल सकता है, उसका
जरूर 6 फीट जगह छोड़ना है चंदन और होस्ट प्लांट का। 6 फीट के दूरी पे आंवला या हमारा जो देसी नीम है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, गर्मी की ऋतु में चंदन में गर्म हवा की वजह से उसकी स्टेम डैमेज हो जाती है, तो क्या करना चाहिए? या दैट इज कॉल्ड सन स्कॉर्चिंग होता है। जो चंदन बॉर्डर में रहता है वहाँ सन स्कॉर्चिंग होता है। वो चंदन ब्लॉक प्लांटेशन में अंदर है उसको कुछ नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है सर? जो बार्क डैमेज होती है यानी बार्क फट जाती है तो इसके लिए मिट्टी लगा सकते हैं, लाइम और ये से तो ये कम सन की इफेक्ट होगी ना सर? या लगा सकता है मिट्टी और लाइम का साथ वो पेस्ट लगा सकता है। उस समय वो टेम्परेचर 14 कम हो जाएगा, स्टेम में स्टेम डैमेज नहीं हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन के कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं और रूट बेच सकते हैं? पार्डन, और एक बार पूछिए चंदन का क्वेश्चन। ये है सर, चंदन हम बेचने जाएंगे तो क्या क्या इससे हमें पैसे मिलेंगे, जैसे रूट्स के पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? रूट्स में बहुत ज्यादा आएगा। रूट में चंदन का तेल बहुत ज्यादा होता है और स्टेम का कम होता है। वो दोनों रूट का पैसा ज्यादा मिलता है और स्टेम का थोड़ा कम मिलता है। ये दोनों भी चंदन का तेल है। चंदन का कहना ये है कि हमें स्टेम से जो हार्डवुड निकलेगा इसका तो पैसा मिलने वाला ही है, मगर जो रूट्स है रूट्स में सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है तो इसकी वजह से हमें रूट्स के पैसे भी इतने ही मिलने वाले हैं। जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, रक्त चंदन के बीज कहाँ पर मिल सकते हैं? या रक्त चंदन ला सकते हैं बीच में। रक्त चंदन इंडिया में के सीड्स कहाँ मिलेंगे? रक्त चंदन के सीड्स कहाँ मिलेंगे ऐसे पूछ रहे? आंध्र प्रदेश में मिलेगा, कडपा, कर्नूल और चित्तूर, यहाँ बहुत चंदन का सीड्स मिलेगा। वो रक्त चंदन का सीड्स मिलेगा वहाँ से लेके जरूर जर्मिनेशन कर सकता है और प्लांटेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बेस्ट होस्ट प्लांट कौन सा है? राजस्थान में बेस्ट होस्ट प्लांट है नीम है। नीम बहुत बेस्ट प्लांट है। नीम डाल सकते हैं राजस्थान में। नीम भी बहुत अच्छा आने वाला है राजस्थान में और ये नीम बहुत अच्छा होस्ट प्लांट है। ओके सर, सिल्विकल्चर टेक्निक चंदन में कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, जो करना है जरूर सिल्विकल्चर या प्रूनिंग करना है। दो तीन साल के बाद प्रूनिंग करने के बाद वो हमको स्ट्रेट स्टेम मिलेगा। नेक्स्ट। ओके सर, चंदन खेती के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत है क्या? चंदन प्लांटेशन के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस की जरूरत है गवर्नमेंट परमिशन के लिए? प्लांटेशन करने के लिए, खेती करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नोटिफाई कर सकते हैं। और प्लांटेशन करने का किसी का परमिशन नहीं है। अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गजट नोटिफिकेशन किया है, वो चंदन ये नॉन शेड्यूल आइटम है, उसको फार्मर्स कोई काट कर सकता है और सेल भी कर सकता है। ऐसा हो गया, ऐसा एक्ट सारे देश में अभी हो जाएगा जरूर। सभी किसानों से हम बताना चाहेंगे कि हर एक स्टेट में हर जगह पे अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है
वो काफी कम करने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों पूरे इंडिया में इतने सैंडलवुड लगा रहे हैं। हम भी सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पीसीसीएफ से लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत लेटर लिखे हैं, ताकि ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाए और आगे 3-4 साल के अंदर बहुत डेवलपमेंट होने वाला है। तो सभी किसानों को विनती है, किसी भी प्रकार की घबराहट न रखे, चंदन के बारे में घबराहट न रखे, कोई टेंशन न ले। आप बिंदास लाइसेंस की चिंता करें ही मत, लगाते जाओ और प्रॉपर सिस्टम से लगाते जाओ, ताकि आपकी जो ख्वाहिश है हमें पैसा मिले, वो पैसा आपको मिलेगा। ना जरूर मिलेगा। ये 7 अप्रैल में एक मीटिंग हो गया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफिस में, ये सारे एक्सपर्ट्स थे, वो चंदन का कल्टीवेशन और चंदन का प्रोटेक्शन में इंफॉर्मेशन सबको देता है। वो सारे चीफ मिनिस्टर को वो जरूर चिट्ठी लेखा का ये सेंट्रल से, और ये चंदन का रूल्स भी बहुत फार्मर्स फ्रेंडली करेगा, और सारे फार्मर्स जो प्लांटेशन करता है उसको 100% फायदा जरूर मिलेगा। अभी हम किसानों को बताना चाह रहे, कल भी बात हुई थी, सर ने बताया था, सैंडलवुड डेवलपमेंट कमिटी बन गई है। पद्मनाभन सर ने भी, हमने भी एक चंदन एसोसिएशन की ओर से 5 साल से पीएम को और काफी मिनिस्ट्री इसके जो रिलेटेड है इससे हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे। आफ्टर ऑल नीति आयोग ने अभी ये रेकमेंड किया 3 मार्च को, और काफी इफेक्ट हर जगह से हो रही थी, तो अभी ये डेवलपमेंट नया हो रहा है और भी नया डेवलपमेंट होता जाएगा। फ्यूचर में काफी कुछ डेवलपमेंट चंदन के बारे में गवर्नमेंट की ओर से, रूल्स एंड रेगुलेशंस की ओर से, और फ्यूचर के बारे में काफी सिंसियरली सोचा जा रहा है, तो किसान इसे घबराए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में तापमान सर्दी में 0 डिग्री सेल्सियस और गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, उसको चंदन जरूर आएगा, चंदन 0 डिग्रीज में 50 डिग्रीज तक आ जाएगा। ये चंदन ये आंध्र प्रदेश में भी टेम्परेचर होता है 48-50 डिग्री समर में, वो राजस्थान में वो कर सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर क्वेश्चन सर ये है, माइनस टेम्परेचर होता है तभी क्या होगा? जैसे पंजाब में, हरियाणा में, कई जगह पे माइनस टेम्परेचर होता है। कुछ ना, नहीं उसमें उस भी कुछ नहीं होगा। वो माइनस टेम्परेचर कितने साल, कितने महीने होता है? वो 3 महीने होता है ना, 2 महीने होता है। दिसंबर में सबसे ज्यादा, दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने से ये सारे प्लांट हाइबरनेट करता है। हाइबरनेट मतलब सारे एक्टिविटीज वो पेड़ में नहीं होता है, और एक्टिविटी जरूर शुरू होता है जनवरी के बाद। वो ये पंजाब में भी डाल सकता है, अभी पंजाब में प्लांटेशन है सारी जगह में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल हार्वेस्टिंग के लिए आइडियल स्टैंडर्ड गर्थ कौन सी होनी चाहिए? इन कर्नाटका में, कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट में हम लोग फिक्स किया है 45-50 सेंटीमीटर होने के बाद उसमें कट कर सकता है, वो भी सेलेक्ट कर सकता है 45 और 50 सेंटीमीटर अंदर। ओके सर, चंदन में इंटरक्रॉप के बारे में बताइए। चंदन का इंटरक्रॉप कोई मेडिसिनल प्लांट्स डाल सकता है, और ये कटनी और जबलपुर में हल्दी और इवन जिंजर भी डाल दिया है, और ये बड़ी शॉर्ट टर्म क्रॉप है, ये वाटरमेलन और सारे फ्रूट्स वो 3-4 महीने में आता है,
वो भी डाल सकता है, उसमें बहुत रेवेन्यू मिलेगा। वो जरूर सारे एक एक लाइन छोड़ना है, सारे लाइन में नहीं डालना है, क्योंकि एक लाइन छोड़ के वो एक लाइन में सारे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड चंदन का डालने का ट्रैक्टर आने जाने का जगह होना चाहिए। ये एक एक लाइन छोड़कर दूसरा लाइन में सारे इंसेक्ट डाल सकता है, मेडिसिनल प्लांट्स और इवन वाटरमेलन और इवन हल्दी, एनी प्लांट कैन बी ग्रोन, और इवन वेजिटेबल्स अप टू अबाउट 10 टू 15 ईयर, 10 12 इयर्स यू कैन ग्रो इट, नो प्रॉब्लम। ओके सर, चंदन लगाने के लिए सॉइल टेस्ट करना चाहिए? या जरूर करना है। सॉइल का सार होता है पीएच 6 to 8.5 होना चाहिए, उसका 8.5 से ज्यादा होने से चंदन अच्छा नहीं आएगा, और 6.5 से नीचे होने से ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक सॉइल में बैक्टीरिया और फंगस ज्यादा होता है, इसलिए मिट्टी का सार 6.5 to 8.5 में होना चाहिए। ओके सर, सर 3500 TDS पानी का यूज चंदन में कर सकते हैं? या श्योर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ओके सर, चंदन बेचकर उसके प्रॉफिट में कोई टैक्स लगता है? नहीं, ये एग्रीकल्चर है, अभी ना अभी टैक्स है, क्योंकि ये फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता है और उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलने से ये मीटिंग चल रहा है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने से उसको टैक्स नहीं होगा। ओके सर, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वेलकम, थैंक यू। यस सर, अब हम हमारे टेक्निकल सेशन 4 को 4 हम 4 बजे स्टार्ट करेंगे, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को अनुरोध करती हूँ कि वो 4 बजे उपस्थित रहे। थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू।